आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर आज श्रीगंगानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। ओम माथुर ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल झूठ बोलकर शासन किया, कांग्रेस को सेना का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। ओम प्रकाश माथुर ने फर्स्ट इंडिया संवाददाता सुनील सिहाग से खास बातचीत की। श्री गंगानगर पहुंचे हैं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर। थोड़ी देर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, अपने साथ मौजूद इनसे बातचीत करते हैं। सर, कल राष्ट्रीय नेता कांग्रेस नेता ज्ञान शर्मा ने यहाँ पे प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने बोला कि भाजपा झूठ का पुलिंदा है और सेना के नाम पे वोट मांग रही है। देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस ने 70 वर्ष तक झूठ के आधार पर शासन किया है, उनका झूठ एक्सपोज हो चुका। आप, मैं तो एक उदाहरण दूंगा, नेहरू जी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ के नाम पे शासन किया, राजीव गांधी ने गरीबी हटाओ के नाम पे शासन किया, और आज राहुल गांधी भी कहता है गरीबी हटाऊंगा, मैं सरकार में आऊंगा। तो वो अपने पहले गिरेबान में झांके, और सेना की बात वो कतई नहीं करे। जिस पार्टी के लीडर हिंदुस्तान के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा, सड़क का गुंडा कहे, उनको सेना के बारे में बोलने का एक शब्द भी अधिकार नहीं है, और जनता समझ चुकी है। अब उनके खिलाफ कोई तर्क नहीं है हमारे खिलाफ, इसलिए इधर उल्टी फुल्टी बातें करना, लोगों को भ्रम करना और सीधा करना। अब कल आपने अगर प्रियंका जी का अमेठी का दृश्य देखा हो, मैं तो चाहूँगा हिंदुस्तान की जनता से, मैं यूपी का प्रभारी रहा हूँ और 80 की 80 लोकसभा में कम से कम 5-5 बार गया हूँ। सबसे दुनिया की अगर सबसे गई गुजरा एरिया है तो अमेठी और रायबरेली है, जो वर्षों से उन्होंने अपनी खानदानी सीट बना रखी है। और कल प्रियंका जी को कहना पड़ा वहाँ का दृश्य देख के कि चुनाव को जीतने की थोड़ी लड़ा जाता है, तो वो अपनी हार मान चुके, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। और आनंद शर्मा जी के पास तो बिल्कुल ही अधिकार नहीं है, वो पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झाटे, कितने झूठ मैं उनके गिना सकता हूँ। और आज डे टू डे कांग्रेस का नेता कोई बोलता है और फिर प्रमुख नेता कहता है, इस वाक्य से हमारा लेना देना नहीं है, 50 ऐसे उदाहरण है। सर, उन्होंने एक आरोप, बड़ा आरोप लगाया है कि आज तक का देश का सबसे बड़ा घोटाला है जो नोटबंदी का रहा, और राफेल डील पे भी उन्होंने बोला सबसे बड़ा घोटाला रहा है। देखिए, ये बोलने के लिए उनके पास सब कुछ है। आप आए ना, पूरे 2 साल उन्होंने संसद नहीं चलने दी। नोटबंदी के बाद 6 राज्यों में चुनाव हुए, 6 हम जीते हैं, और राफेल के मामले में दुनिया मान चुकी है, सारी मान चुकी है, इसलिए ये सारे झूठ है, इनका कोई भत्त और जनता देगी, इसका जनता जवाब देगी ना 23 तारीख को। सर, लास्ट सवाल, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीत रहे हैं, कितनी सीटें जीत रही है भाई? 14 से ज्यादा सीट लेकर के पुनः एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सर, ये देख, कांग्रेस ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री को माफी मांगी, ओम जी माथुर, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिल्कुल झूठ की राजनीति करती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के वादों पर ही चुनाव लड़ रही है। सुनील सिहाग, फर्स्ट इंडिया, श्रीगंगानगर।